लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? कितने करोड़ के बिके जवान के ओटीटी राइज? आखिर शाहरुख खान को कब लगा था उनके करियर का पहला झटका? क्या जवान बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआर। दोस्तों, जून के महीने में शाहरुख खान ने डबल धमाका किया था। पहले तो उनकी फिल्म पठान का नया मोशन पोस्टर रिलीज हुआ, दूसरी तरफ उनकी एटली फिल्म की टीजर के साथ रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई। एटली की फिल्म जवान को लेकर इसके बाद बहुत सारी खबरें आईं। आपको बता दें, अब रिपोर्ट्स आई है कि नेटफ्लिक्स के राइट्स कितने करोड़ के बिके हैं। आपको बता दें दोस्तों, जवान को 120 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है। फिल्म के रिलीज के 4 हफ्तों बाद जवान नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी। शाहरुख खान की यशराज फिल्म पठान 220 करोड़ के अमेजन प्राइम राइट्स पे बिकी, लेकिन जवान को बढ़िया डिजिटल डील नहीं मिल पाई। अब देखना होगा कि फिल्म के म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स कितने करोड़ के बिकते हैं। पठान और जवान दोनों के ही बजट में काफ़ी डिफरेंस है। जहां जवान का बजट 200 करोड़ है, वहीं पठान का बजट है 250 करोड़। आपको बता दें, शाहरुख खान की आखिरी फिल्म जीरो क्रिसमस 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद निराशाजनक परफॉर्म किया। जीरो के बाद शाहरुख खान ने अपने करियर में एक छोटा सा ब्रेक लिया था, क्योंकि वो अपने करियर को एक अलग डायरेक्शन देना चाहते थे। साल 2014 में हैप्पी न्यू ईयर के बाद से शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छे आंकड़े नहीं दिए। आपको बता दें, शाहरुख खान के करियर को सबसे पहला झटका दिया था फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर ने। फिल्म भले ही शाहरुख के स्टारडम की वजह से बॉक्स ऑफिस पर चल गई, लेकिन उसके बाद शाहरुख और पूरी फिल्म की जमकर जगहंसाई हुई। फैंस की उम्मीदें तब बनी जब शाहरुख खान रईस में एक अलग अवतार में नजर आने वाले थे, लेकिन इस फिल्म ने भी फैंस का दिल तोड़ लिया। उसके बाद दिलवाले आए और फैंस एक बार फिर से खुश हो गए, क्योंकि काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी एक बार फिर से उन्हें दिखने जो वाली थी। लोगों ने रोहित शेट्टी को जमकर दुआएं दी, लेकिन शाहरुख और काजोल की जोड़ी का स्टारडम रोहित शेट्टी झेल नहीं पाए। दिलवाले एक्शन और रोमांस के बीच कॉमेडी का रायता फैला कर आए और फैंस का बिला दिल जीते चली भी गई। वही दोस्तों, शाहरुख के फैंस की उम्मीदें अब तक खत्म नहीं हुई थी। अब आई थी जब हैरी मेट सीजल, और एक बार अनुष्का और शाहरुख की केमिस्ट्री के लिए लोग फिर से दीवाने हो गए, लेकिन इस फिल्म ने भी लोगों का दिल ही टूटा। और फिर जीरो आई, जो कि बहुत गंदा परफॉर्म करके चली गई। अब दोस्तों, एक बार फिर से शाहरुख खान कमबैक कर रहे हैं। एक तो कैमियो रोल्स कर रहे हैं बहुत सारी फिल्मों में, उसके बाद उनकी फुल फ्लैश फिल्में आ रही हैं जवान, पठान और डंकी। अब देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा तहलका मचा पाएंगी ये फिल्म। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।